हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नेहा ब्यूटी क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं इनका ज्वाइंट आइब्रो बनाऊंगी और बताऊंगी कि आपको ज्वाइंट आइब्रो बनाना कैसे है। ज्वाइंट आइब्रो बनाने से पहले आपको चेक कर लेना है कि आइब्रो किस टाइप का है और आपको बनाना कैसे है। उसके बाद आप उसमें अच्छे से पाउडर लगा दें और फिर ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके कट कर लें। अभी आप थोड़ा थोड़ा ही कट करें, उसके बाद ज़रूरत होगा तो फिर से आप कट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कट करना ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप ऊपर से धागा चलाते हैं और लंबे लंबे बाल रहता है तो वो धागा में आ जाता है। उसके बाद जब आप नीचे बनाएं तो आप पहले देख लें कि कहाँ से आपको निकालना है। उसके बाद धागा को बिल्कुल नाक के पास रखें और नाक के पास से उसको धीरे से पीछे की तरफ खींचें, और आप जो पीछे की तरफ खींचेंगे तो धागा का अंदर आपका बाल आ जाएगा और एक लाइन बनते हुए चला जाएगा, और उसी हिसाब से आपको जो है बाल को निकालना है इस तरह से। और जब जॉइंट आइब्रो हमें बनाना होता है तो हम पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं बनाना, ऊपर में हम बाद में बनाते हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छा शेप आता है। और इस तरह से आपको धागा धीरे धीरे पीछे करते करते आर्क एरिया तक जाना है। आर्क एरिया जहाँ मैं अभी बना रही हूँ वो एक आर्क एरिया है। उसके बाद आपको धागा को थोड़ा सा राउंड करना है और उसके बाद बिल्कुल ही नीचे घुमा लेना है और आपको फिर थोड़े थोड़े करके निकालना है। आर्क एरिया के बाद जब आप नीचे जाते हैं तो फिर आपका वहाँ का स्किन बहुत ही पतली होती है, तो आपको वहाँ और भी ज़्यादा ध्यान से बनाना होता है। आईब्रो बनाते टाइम में कट हमेशा साइड में लगता है, आउटर कॉर्नर के पास लगता है, तो आपको बहुत ही ध्यान से आपको बनाना है। जब आप धागा चला रहे हैं तो आपको धागा बहुत ज़्यादा घिसने की कोई ज़रूरत नहीं है। धागा आप जब धागा को मुंह से खींचेंगे तो धागा खुद ब खुद फोल्ड हो जाएगा और आपका बाल निकल जाएगा। और उसके बाद आपका ऊपर से जो आपको निकालना है तो ऊपर से आपका जो मोटे बाल है उसको बिल्कुल ही नहीं निकालना है, क्योंकि ऊपर तो बाल होता ही नहीं, ऊपर तो छोटे छोटे बाल ही हल्का हल्का बाल होता है, जो भी बाल होता है आपका नीचे होता है। इसलिए आपको ऊपर से बिल्कुल लाइन देते हुए आर्क एरिया तक जाना है और उसके बाद इस तरह से आपको मुड़ जाना है। और जब आर्क एरिया से आप नीचे जाते हैं तो ऊपर की तरफ से भी आपको बहुत ही आराम से धीरे धीरे करना होता है, क्योंकि वहाँ भी आपका कट लगता है। अगर आपको हो सके तो साइड से ऊपर से पकड़ा दे, उसके बाद आप देख ले कि कहाँ से कट करने की ज़रूरत है और आप इसको कट कर दे। आपको जितना ज़रूरत है उतना कट कर दे, कट बिल्कुल नीचे की तरफ कैची को दाब के ना करें, हल्का हल्का जितना ज़रूरत हो उतना। मोटा आइब्रो जब आप बनाएंगे तो धागा को ऊपर अंदर घुसा के नहीं करें, बस जहाँ से आपने कट किया है वहीं से धागा लगाए। उसके बाद आपका दूसरे साइड का जो आप बनाएंगे तो सबसे पहले आपने जो आइब्रो बनाया है उस हिसाब से ऊपर का कट एकदम शेप में मिला के कर ले, जितना ज़रूरत है उस हिसाब से कट कर ले, क्योंकि आपने पहला जो आइब्रो बना लिया है तो अब आपको उसी हिसाब से आइब्रो बनाना है। अब आपको बीच में पकड़ना है, एकदम बीचों बीच पकड़ेंगे तो आपको क्या होगा कि आपने जो पहले आइब्रो बनाया है उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको उखाड़ना कहाँ से है। तो आप बीच में पकड़े और ऊपर खींचे, बीच में पकड़ के ऊपर जब खींचेंगे तो आपका दोनों आइब्रो इक्वल दिखेगा और आप आसानी से आइब्रो एक जैसा शेप देते हुए बना सकते हैं, और आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा कि आपका आइब्रो मोटा हो जाएगा या पतला हो जाएगा या ऊपर नीचे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल जाएगा आपका आइब्रो। दूसरा आइब्रो को भी बनाते टाइम बिल्कुल जैसे आपने पहले बनाया उसी तरह बनाना है। बस धागा को जब आप सेट करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा दबा के सेट ना करें और बहुत ज़्यादा रगड़े नहीं, क्योंकि स्किन बहुत ही सॉफ्ट होता है और किसी किसी का बाल इतना कड़ा होता है कि उसको बार बार खींचने पे भी वो बाल निकलता नहीं। तो फिर भी आप कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा उसको धागा को स्किन पे दाबे नहीं,
आप जब उसको धागा को सेट करेंगे और मोका धागा को खींचेंगे तो खुद ब खुद धागा फोल्ड होगा और आपका धागा में जो बाल आया है वो निकल जाएगा। इस तरह से आप आसानी से आईब्रो बना सकते हैं। अब आप एकदम बीचों बीच पकड़ के नाक के ऊपर आप इस तरह से निकालिए। वैसे इनको आईब्रो ज्वाइंट आईब्रो नहीं बनाना था, काफ़ी दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहा था कि ज्वाइंट आईब्रो बनाइए, इसलिए मैं इनका आईब्रो बीच में बहुत ज़्यादा था तो मैं सोची पहले इनका जो है ज्वाइंट बना देती हूँ फिर इनका खाली कर दूँगी। तो उस हिसाब से मैं इनका पहले ज्वाइंट बनाऊँगी और उसके बाद खाली कर दूँगी। और ये जब आपका आईब्रो बन जाए तो बीच में नाक के पास आप उसको अच्छे से एकदम सफाई से गोलाई में उसको निकाल दें। और उसके बाद जब आईब्रो बन गया है तो आप एक तरफ से जब आपने बना लिया है इधर से मोड़ के, अब दूसरी तरफ से भी आपको उसी तरह मोड़ के बस एकदम धीरे धीरे बीच में, अब जब धागा चला रहे हैं तो बहुत ही धीरे धीरे धागा चलाना है क्योंकि बीच का बाल जो है खड़ा खड़ा होता है और आपका धागा में आ जाएगा और वो आपका शेप खराब कर देगा, इसलिए एकदम धीरे धीरे हल्के हल्के करके निकालें। जरूरी नहीं है कि फटाफट फटाफट आप कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लेके ज्वाइंट आईब्रो बनाएं तो बहुत अच्छा बनेगा। और अभी आप लोग का कमेंट आता है कि आप इस चीज़ का वीडियो बनाइए उस चीज़ का वीडियो बनाइए, तो मेरा ध्यान में रहता है, पर प्रॉब्लम क्या है कि अभी पार्लर हम लोग के यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, पार्लर सिर्फ हम 3 दिन सप्ताह में खोल सकते हैं कोरोना लेके, और बहुत ही सावधानी बरतना होता है, क्लाइंट भी कम आता है और फिर हमें क्लाइंट से परमिशन लेके हमको वीडियो बनाना होता है। तो मेरे ध्यान में रहता है कि हमें कमेंट आया है तो हमें उस तरह से वीडियो बनाना है, तो जब हमें मौका मिलेगा तो हम वीडियो बना के ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए आप इस चीज़ का माइंड ना करें और ध्यान रखें कि मेरे ध्यान में है कि मुझे आपका कमेंट का जवाब देना है। तो ये देखिए इनका आईब्रो बन गया है, आईब्रो मोटा भी बन गया है और ये ज्वाइंट भी है। अगला वीडियो मैं फिर से ज्वाइंट वाला बनाऊंगी, अलग तरीके से बताऊंगी कि अलग तरीके से आपको ज्वाइंट आईब्रो कैसे बनाना है। और अगर इसमें आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी और उसे दूसरे तरह से बताऊंगी, शायद वो आपको ज़्यादा समझ में आए। वीडियो मेरा कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा आपका काम का हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।